हम पेपर कर रहे हैं नवंबर 18, नवंबर 18 का पेपर है 1-1, नवंबर 18 का पेपर है 1-1, और हम वहां से शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। अब ये जो मैंने एक स्टेप बताया है इसको करके देखें, एक बच्चे के पास आ रहा है 90, दूसरे के पास 50, ये दो अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं? मेरे पास आंसर आ रहा है 50, पार्ट बी का आंसर 50 आ रहा है, पार्ट बी का जो आंसर मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 50। देखो मैं ये लॉजिक इस्तेमाल कर रहा था कि सामने वाला एंगल तो जाहिर है कि पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम का मतलब ये 130 हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 130 है तो पैरेललोग्राम में आमने सामने का एंगल सेम होता है, तो ये एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। मैं ये लॉजिक इस्तेमाल कर रहा था, चारों को ऐड करके 360 कर दो। जो लोग इसका पार्ट टू कर लें वो फिर पार्ट नंबर फोर भी करें, सॉरी तीसरा पार्ट भी करें।
जिन लोगों ने सॉल्व कर लिया वो तीसरे पार्ट का बताएं, एफ एच ये कैसे होगा, एफ एच ए ये मांग रहा है, एफ एच ए ये एफ है यहां पर और इधर एच ये मांग रहा है ये वाला, अब ये कैसे होगा बताओ, ये वाला एंगल कैसे निकलेगा, ये वाला, इसका कोई सजेशन देना चाह रहा हो तो दे। सर ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम हाँ शायद बन तो रहा है लेकिन उसने पैरेलल का बोला नहीं है, लेकिन उधर से तो पैरेललोग्राम है। हाँ ये भी इस बच्चे ने यही बोला है कि ये ट्रेपेजियम है, अगर ट्रेपेजियम की लॉजिक लगाते हैं तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास ये वाला एंगल है, ये एंगल आ गया हमारे पास, ये 50 है, फिर भी ये कैसे आएगा, बताएं जो लोग सॉल्व कर रहे हैं सजेशन दें। तीसरे पार्ट में उसने बोला है कि आप ये वाला एंगल जो है, ये सेइंग कि आप ये वाला एंगल जो है ये निकालें, चलो अब इसका मुझे कोई प्लान बनाकर प्लान बताएं। A is equal to 120 minus 50, A is equal to 70. और फिर मैंने ये किया है कि मैंने सवाल को सॉल्व करने के लिए मैंने ये किया कि मैंने ये वाला एंगल A मार्क कर दिया है, ये वाला B, ये तो मेरे पास आ गया ना, मैंने इसको A मार्क किया, इसको B मार्क किया। अब मेरे पास लॉजिक ये है कि A कैसे निकलेगा 120 minus 50। अब ये 120 minus 50 क्यों है, देखो ये वाला एंगल 120 है तो फिर ये वाला एंगल भी 120 होगा, तो अगर मैं ये लॉजिक लगा लूं पहले, देखो ये वाला एंगल ये भी 120 होगा क्योंकि लाइंस पैरेलल है। अच्छा अब अगर ये भी 120 है तो मैं क्या कर सकता हूं कि मैं इसमें से एंगल माइनस कर दूं, जो मेरे पास 50 आया तो ए आ जाएगा, पहले ए निकाला मैंने, मेरे पास ए की वैल्यू आ रही है 70, मैंने बी कैसे निकाला 180 माइनस 130, देखो ये बी है और ये स्ट्रेट लाइन है तो अगर ये 130 है तो बी निकल आएगा, बी निकल आया मेरे पास 50, ये 70 है ये 50 है, इन दोनों को ऐड किया और 180 से माइनस कर दो तो एफ एच ए आ गया, ये वर्किंग चेक करें।
ये सवाल जो है वो है नेट के ऊपर, और ये वाला नेट वाला क्वेश्चन मैंने कहा था कि अभी मुझे इसको करवाना है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है कि किसी डब्बे को खोल के जैसे आप जमीन पे रख देते हैं ना, ये वो चीज है। अच्छा अब है क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला कर दे, छोटा सा क्वेश्चन है। पहले पार्ट में कह रहे हैं एन का स्क्वायर, दूसरे में वन अपॉन एन। जब आप स्क्वायर करते हैं तो 4 तो 16 बन जाएगा, लेकिन 10 की पावर जो है वो 10 हो जाएगी, 2 पावर 5। जरा 11 शुरू करें। पहला आंसर आ रहा है 16 × 10^10, लेकिन आप इसको फिर 1.6 कर लीजिएगा और 1.6 करके 10^11 कर दीजिएगा। जब आप फाइनल आंसर लिखें ना तो आप इसको कर दीजिएगा, जब आप लिखें तो फाइनल आंसर कर लीजिएगा 1.6। डेसिमल हमेशा एक प्लेस के बाद होना चाहिए, तो 10 की पावर बढ़ जाएगी जब ये 0 एक और इधर आएगा, तो ये आंसर असल में ये है, ये वाला आंसर लिखिएगा। दूसरा पार्ट करके दें। ये तो
इसके बाद दूसरा पार्ट वन अपॉन एन, इसमें तरीका बड़ा सिंपल है कि आप इस फंक्शन को, आप इस फंक्शन में 10 की पावर को ऊपर ले आए, 1/4 हो जाएगा, 0.25 कर दें, फिर डेसिमल को राइट शिफ्ट कर दें, 2.5 बन जाएगा और उससे 10 की पावर -6 हो जाएगी। अब ये कॉपी करें, चलो अब ये वाला क्वेश्चन देखो। मैंने इसको, इसने सवाल में बोला है 1 sig fig पर कर दो, तो मैंने 1 sig fig पे करके सिंप्लीफाई किया है, ये करके दो। द लेंथ ऑफ द टाइम्स ऑफ टेलीफोन कॉल्स मेड बाय इली ड्यूरिंग 1 week आर समराइज इन द टेबल। ये एक हफ्ते का टेलीफोन रिकॉर्ड है। अब नीचे उसने डेटा दिया हुआ है 0 till 10, 10 to 20। अच्छा
आप गौर से देखिएगा, क्लास विड्थ वेरी कर गई है 25 से 30, 30 से 50, तो ये तो नीचे आकर देखें तो नजर भी आ रहा है। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैसे लगाते हैं? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होती है फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ। चलो इसको करो, पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसमें फ्रीक्वेंसी क्लास विड्थ के, क्लास विड्थ का एक रो ऐड करो। देखो क्लास विड्थ 10 10 10 5 5 20, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1 1.5 2 2.4 0.8। ये टेबल चेक करो, जब तुम ये टेबल चेक कर लो तो फिर तुम नीचे आकर मुझे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला जो हिस्टोग्राम है वो बनाकर दिखा दो। पहले तुम ये अपडेट कर लो, उसी में अपडेट कर लो। जो लोग ये हिस्टोग्राम बनाए वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। अब आसान है क्योंकि वाई एक्सिस भी लेबल हुआ है, एक्स एक्सिस भी लेबल हुआ है, आपको बस इसको ट्रांसलेट करना है।
ठीक है, जो इसका आंसर दिखाना चाहे वो मुझे शो कर दे। अगला पार्ट है इंडाइसेस पे, ये बहुत सिंपल सा पार्ट है। देखो, इवेल्यूएट 1/3 की पावर 0, किसी फ्रैक्शन पर नंबर पे पावर अगर 0 हो, एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज 1, स्क्वायर तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेगेटिव पावर का क्या करते हैं, उसको प्लस करके अंदर जो फ्रैक्शन होती है ना उसको फ्लिप कर देते हैं। तो दिस इज हाउ वी सॉल्व इट। ये वाला क्वेश्चन जो है ये करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अ बोट ट्रेवल्स फ्रॉम पी टू क्यू, ये पी से क्यू तक गई, एट क्यू इट टर्न्स थ्रू 90 डिग्री एंड ट्रेवल्स टू आर, फिर आर तक गई, पी क्यू 6 है, क्यू आर 9 है। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी फ्रॉम पी टू क्यू टू आर टेक्स 3 आवर्स, द रिटर्न जर्नी ऑफ जर्नी फ्रॉम आर टू क्यू टू पी टेक्स 2 आवर्स, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम तो आसान है, 5 आवर्स है, टोटल टाइम है 5 घंटे, लेकिन टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, करके दो।
चले ये वाला पार्ट देखें, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, छोटा सा सिंपल सा कैलकुलेशन है। चलो अगला पार्ट करके दें। अगला पार्ट जो है वो बेरिंग से रिलेटेड है। अगला पार्ट पढ़ो, लिखा हुआ है द बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम पी इज 040, कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ आर फ्रॉम क्यू। अब देखो बेरिंग में क्या सीखा था कि जो लेटर फ्रॉम के बाद लिखा होता है उस पर नॉर्थ बनता है, तो फ्रॉम क्यू का मतलब है कि क्यू पे जाके नॉर्थ बना दो। ऐसे करके नॉर्थ बनाओ और इसको फिर क्यू से कनेक्ट कर दो, क्यू फ्रॉम आर, आर ये नीचे है ना। तो अब आप लोग मुझे इसकी वर्किंग करके दो, मुझे ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। अब ये कैसे निकलेगा ये आप लोग बताओ। वन थर्टी की लॉजिक क्या ये है कि अगर ये एंगल 40 है तो ये भी 40 होगा, 90 प्लस 40 कर रहे हैं ना,
लॉजिक ये कि 90 प्लस 40 कर दे। हाँ सही लॉजिक है, 90 प्लस 40 कर रहे हैं फिर सही है, सही है। सर 40 कैसे हुआ? अगर ये एंगल 40 है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, दोनों नॉर्थ पैरेलल होते हैं ना, नॉर्थ नॉर्थ के पैरेलल होगा, तो अगर आप इस लाइन को देखें तो ये दोनों नॉर्थ हैं, तो ये भी नॉर्थ है, तो अगर देखें दोनों नॉर्थ हैं। अब लॉजिकल बात है ना कि अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, तो ये पूरा कैसे निकलेगा 40 प्लस 30। चलो अब इसका अगला पार्ट करके दो। अगला आंसर सजेस्ट हो रहा है 220। देखो ये लिखा हुआ है कैलकुलेट द बेरिंग ऑफ पी फ्रॉम क्यू। अब पी फ्रॉम क्यू का मतलब नॉर्थ तो वही पी पर ही बनेगा, पी फ्रॉम क्यू का मतलब नॉर्थ दोबारा क्यू पे बनेगा, तो नॉर्थ ऐसा करते हैं कि क्यू पे बना देते हैं, ये नॉर्थ आ गया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं लेकिन अब की बार उसको जोड़ना है पी फ्रॉम क्यू, तो अगर इसको पी फ्रॉम क्यू करना है तो फिर ये जाएगा यहां से ऑल द वे यहां तक, तो आपको ये निकालना है, आपको ये पूरा एंगल निकालना है, इसमें दूसरा आपके पास 50 आ रहे, इतना बड़ा एंगल 50 थोड़ी हो सकता है। देखो इट्स ऑल द वे दिस एंगल, ये इतना बड़ा एंगल है। अब ऐसा करते हैं कि देखो पहले ये 40 है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला एंगल जो है, तो पहले स्टेप पे तो ये 40 आ गया। अच्छा अब अगर ये 90 है और ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 माइनस 90 कर दें, अगर मैं 180 माइनस 90 कर दूं तो ये भी 90 आ जाएगा, देखो ये ना, तो अब ये पूरा कैसे निकलेगा 90 प्लस 90 प्लस 40। इसमें कैलकुलेशन करो 90 प्लस 90 प्लस 40, तो ये आ रहे 180 प्लस 40 220 आ रहा है, ये आंसर आ रहा है 220।
चलें, जिन लोगों ने इसको पूरा कर लिया है वो फिर आगे प्रोसीड कर लें। ये तो पार्ट हो गया, सही है। 220 इज द राइट आंसर। चलो अब आप मुझे क्वेश्चन नंबर 17 करके दे दें। 17 आसान है बेसिकली, वो बहुत बेसिक वाला मैथ है लेकिन कर लेना चाहिए क्योंकि पेपर में तो जाहिर आता है ना। देखो इसने पहले इसको तोड़ा हुआ है, कहता है एक्सप्रेस 1200 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मैंने इसको पूरी वर्किंग करके दिखा दिया, आप उसको फिर एक लाइन में लिख देना 222355। तो ये वाली वर्किंग देखें, 17 पार्ट ए। ठीक है, अब उसके बाद दूसरा पार्ट देखें। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एन सच दैट 12n इज अ स्क्वायर नंबर। ये मैंने पहले ही बताया था, स्क्वायर नंबर, क्यूब नंबर, ये कैसे सॉल्व करते हैं। 120 में 2 का क्यूब है और 3 और 5 है। अच्छा, n जो होता है वो आपको नहीं पता, लेकिन आप ऐसे नंबर लगाएं जिनसे सबका स्क्वायर बन जाए। स्क्वायर वो नंबर होते हैं जिनकी पावर इवन होती है, 4, 2, 6 इवन पावर। अब ये तो है 2 क्यूब, उसके बाद है 3, 5, 2 मैंने खुद लगाया। क्यों लगाया कि देखो ये वाला 2 और ये वाला 2 मिलकर हो जाएगा 2 पावर 4, स्क्वायर हो गया। 3 और 3 मिलकर हो जाएगा 3 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो गया। ये 5 और 5, ये भी स्क्वायर हो गया। स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जिनकी पावर इवन हो। तो मैंने अपने पास से 3 लगाया, अपने पास से 5 लगाया और अपने पास से 2 लगाया, इनको जोड़ दिया तो 3 × 5 × 2, तो n हो गया 30। सब लोग इसको चेक कर लें, क्वेश्चन नंबर 17 को, और फिर हम आज का काम यहीं तक रोकेंगे।